नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर से आप YouTube प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बता दें कि शॉर्ट्स वीडियो पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। और आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 वीडियो पे अगर स्ट्राइक आ जाएगा तो आपके चैनल को जो है बिल्कुल यूट्यूब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि डिलीट करके हटा दिया जाएगा। आप जितना भी वीडियो वहाँ पे अपलोड किए हुए रहेंगे, सारा वीडियो जो है आपका यूट्यूब शॉर्ट से हट जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पे सावधानी बरतना होगा। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये समस्या हो चुका है। कुछ ऐसे शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं जो यहाँ पे ये गलती किए हैं और उसी को लेकर जो है 3-3 स्ट्राइक आया है और उनके चैनल को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। आखिर करना क्या है और सावधानी क्या बरतना है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। लगभग जो क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ इतना समझते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो बनाने में जो है हम किसी का भी म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब हमें बिल्कुल जो है वहाँ पे रॉयल्टी फ्री देता है कि आप बिंदास किसी का भी म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी का भी म्यूजिक वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप ऐसा नहीं कि 1 मिनट से कम समय तक किसी का भी म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटर्स यहीं पर 2 गलती करते हैं। एक, वो डायरेक्ट जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, यानी कि 1 मिनट से छोटा वीडियो बनाते हैं और म्यूजिक किसी का भी वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। दूसरी बात, वो शॉर्ट्स वीडियो जब बनाते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे एडिटिंग टेबल का व्यवस्था करते हैं और वहाँ पर वीडियो को एडिट करते हैं, कहीं से म्यूजिक डाउनलोड करके उसको जो है वहाँ पर सेट करते हैं। यहीं पर आप गलती करते हैं। आपको करना क्या है, आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ पाए और आप बिल्कुल वहाँ पे सेफ होकर जो है वहाँ पे अपलोड करें, उसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाइए तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स फीचर का ही सहारा लीजिए, ताकि वहाँ पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी का आपको एक फीचर मिल जाता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसमें ढेर सारा म्यूजिक आपको मिल जाता है, जिस म्यूजिक को आप इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप यूट्यूब लाइब्रेरी से किसी भी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ है। अदरवाइज आप किसी भी क्रिएटर्स का यूट्यूब से जाकर आप गाना डाउनलोड कर रहे हैं और उसको जो है अपने वीडियो में सेट कर दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं चलने वाला है। YouTube जिस क्रिएटर से, यानी कि चाहे वो टी सीरीज से लिए हो या फिर वेनस से लिए हो या फिर सारेगामा से लिए हो, जिसका भी म्यूजिक जो है YouTube वहाँ पे लेकर रखे हुआ है, उसी का वीडियो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका चेक करने का सीधा सा साधन है कि आप YouTube शॉर्ट्स वाले फीचर पे जाके इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि वहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप YouTube लाइब्रेरी में जाएंगे ढेर सारा गाना आपको मिल जाएगा, उसी गाना का आपको इस्तेमाल करना है और साथ में सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड ही उसका गाना आपको इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 1 मिनट से कम तक जो है वहाँ पे गाना इस्तेमाल कर देते हैं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे नहीं चलने वाला है। यूट्यूब जिस कंपनी से वहाँ पे राइट्स लिए हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड के लिए लिए हुआ है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए इजाज़त तो ज़रूर देता है कि आप किसी का भी म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी का जो यूट्यूब लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, तो खास करके आप उसी ऑडियो का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, आप 15 सेकेंड के लिए ही जो है उस म्यूजिक को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बड़ा म्यूजिक वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वो नहीं चलने वाला है। अगर उस तरीके का भी गलती आप करते हैं तो आपके चैनल पर वहाँ पर स्ट्राइक आ जाएगा, हो सकता है आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इस चीज़ों से आप बचिए और बिल्कुल वहाँ पर 15 सेकेंड तक और वो भी खास करके यूट्यूब लाइब्रेरीज का ही म्यूजिक आप इस्तेमाल कीजिए।